तो एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो वही दो सिलेंडर्स ले लो, एक अंदर पे चार्ज दे दो, बाहर को अर्थ कर दो, क्यू माइनस क्यू, अंदर का रेडियस ए है, बाहर का बी है, रूल वही है, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, ई की वैल्यू निकलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। बिल्कुल नहीं करना, डेरिवेशन नहीं आएगी, फॉर्मूला नोट करना है सिर्फ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, क्योंकि लॉग वाली टर्म तो एनसीईआरटी में वैसे भी आती नहीं है, मेडिकल के बच्चे भी है ना, लॉग कहाँ से भी क्या आएंगे। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, ए फॉर इनर रेडियस, बी फॉर आउटर रेडियस और एल फॉर लेंथ ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला नोट कर लें प्लीज़।